दोस्तों नमस्कार, स्वागत है वंश कार्ड्स के एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं भाई साहब, कई कमेंट्स आए थे कि इसके रिगार्डिंग कमर्शियल व्हीकल का, तो हम लेके आए हैं महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप। ये मैक्स नाम जो आपको दिख रहा है ना, क्या मैक्स हो गए हैं इसमें, क्या आपको मैक्सिमम चीज़ें मिल जाती है, क्या कुछ अपडेट मिल जाते हैं, वो हम यहाँ पे आपसे शेयर करेंगे। तो भाई अगर वेरियंट से शुरुआत करते हैं तो आपको पिकअप में 2 लीटर एच डी, 1.7 लीटर एच डी और 1.3 लीटर एच डी और 1.7 आपको एल, मतलब लार्ज, उसमें आपको जो GVW है वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। सारा जो खेल है वो शुरू होता है इसके डेक जो दिया गया है उसके लेंथ से, मतलब कितनी ज़्यादा कैपेसिटी आप जितना लोड करोगे उतना ज़्यादा आपको ये वेरिएंट मिल जाएगी। बाकी इंजन और कुछ इसमें एक्सेसरीज, कुछ फीचर्स आपको लोडेड मिल जाते हैं तो वो टॉप वेरियंट हो जाता है, और कुछ फीचर्स कम कर देते हैं वो आपको थोड़ा सा बेस करके दे दिया जाता है। तो इस वाले वेरियंट में आपको ये है 1.7 HD, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या GVW मिलता है, क्यों आपको ये परचेस करना चाहिए, क्या आपके बिजनेस में ये ग्रोथ करेगा। तो फ्रंट से देखते हैं क्या कुछ आपको लुक वाइज चेंजेस मिल जाता है। तो सामने से देखते हैं ऐसे कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला, जो ग्रिल आप देख रहे हैं। अब इसके टॉप वेरिएंट में जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा क्रोम दिया गया लेकिन इसमें सिल्वरिश ऐसे आपको फिनिश दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी लग रही है। और इसका जो सामने से ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा मेटेलिक है बम्पर, और पहले भी आता है, हालांकि इसमें आपको फॉग लाइट इसमें नहीं दिया गया है, आप लगवा सकते हैं बाहर से। और जो 3M का ये रिफ्लेक्टर है वो अनिवार्य है कमर्शियल गाड़ियों, तो वो यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाता है। बाकी यहाँ पे हेडलैम्प देख सकते हो, हेलोजन हेडलैम्प मिलता है, टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, और ये जो यहाँ पे कुछ लगा नहीं है, लेकिन जब आप टॉप वेरिएंट में जाते हो, ये सेकंड टॉप है, तो यहाँ पे आपको कॉर्निंग हेडलैम्प मिल जाता है, मतलब जैसे ही आप इसको कॉर्नर में घुमाते हो तो ये हेडलैम्प ऑन हो जाते हैं, तो सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि गाड़ी मुड़ रही है, और आपको भी थोड़ा सा अगर अंधेरा है तो वो भी दिख जाएगा, तो ये एक बढ़िया चीज़ हो जाती है। बाकी यहाँ पे तो हुक वगैरह प्रॉपर दे दिए गए हैं, यहाँ से देखते हैं तो ऐसे कुछ आपको सामने दिखती है। नीचे आपको यहाँ पे इसका जो कमानी है वो वहाँ पे मिल जाता है फ्रंट में। बाकी यहाँ पे आप देखिए, अब इसके ऊपर जाते हैं तो आपको HD 2.0 आता है, उसमें आपको इस टायर जो है वो इससे ज़्यादा एक नंबर ज़्यादा मिल जाता है, मतलब 18 इंचज के मिलते हैं। एक बार देख लेते हैं इसका टायर प्रोफाइल क्या है, तो हाँ 7.0 OR 15 LT है ये। बाकी अगर हम प्रॉपर टायर प्रोफाइल देखते हैं तो उसमें भाई दिया कहाँ रहता है, तो यहाँ पे आप स्टील रिम्स देख रहे हैं, यहाँ पे JK का टायर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, 17 इंचज का आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। तो 2.0 में जाते हैं वहाँ पे 18 इंचज के मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ये चढ़ने के लिए दे दिया गया है, ऐसा कुछ डोर आपको यहाँ पे मिल जाता है, HD 1.7 लिखा हुआ मिल जाएगा, और यहाँ पे बोलेरो मैक्स पिकअप लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये है, बाकी साइड से देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे दिखने वाली है गाड़ी। अब एक बार ड्राइवर साइड से दिखाता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे एक फ्रंट में वॉशर मिलता है, 2 वाइपर मिल जाते हैं, और इधर भी आपको बोलेरो मैक्स 1 पिकअप यहाँ पे दिख जाएगा, इंडिकेटर्स यहाँ पे फेंडर में मिलते हैं, 1.7 HD लिखा हुआ मिल जाता है। अब छोटे डेक में अगर आप जाते हो तो सिटी करके आती है बोलेरो मैक्स पिकअप सिटी, तो सिटी में 1.5, 1.4, 1.3 आती है, जो कि सिटी, यहाँ पे इसका वीडियो मैंने किया हुआ है, आप जाके देख लेना। और अगर आप नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हम लेके आते रहते हैं, और इसमें भी बहुत कुछ अपडेट आपको मिलता है। जैसे अभी मैं दिखाई देता हूँ, ये 3 सीटर लिखा हुआ है ना फ्रंट में, तो सर्टिफाइड 3 सीटर, पहले आपको सामने 2 ही लोग बैठ सकते थे, अप्रूवल नहीं होता था, अभी 2+1 D+2, मतलब ड्राइवर प्लस 2 सीट और ऐड कर दिया गया है। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अब हम चलिए इसके अंदर में चलते हैं और भी आपको चीज़ें दिखाते हैं। बाकी डेक की तरफ अभी हम चलेंगे, उसकी जो डिटेल है हम आपसे शेयर करेंगे। क्या आप देख सकते हो ऐसे कुछ, ये डोर पैनल आपको मिल जाता है सिंपल सा, यहाँ पे इसका डोर एंड यहाँ पे इसका लॉक अनलॉक वाला वो मिल जाता है, मतलब इसे खोलते हैं। बाकी यहाँ पे ऐसे कुछ दे दिया गया है, इससे जो इसके विंडो है उस ऐसे मैनुअली इसको बंद कर सकते हो उससे। बाकी ये है इसका यहाँ पे इंटीरियर। अब यहाँ पे आपको सीट मिल जाती है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, और इसमें 2 वेरिएंट आते हैं। अब उस एक वेरिएंट जब इसके ऊपर वाले वेरिएंट में जाएंगे तो इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, इसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है। इसके ऊपर के वेरिएंट में जाएंगे IMAX भी टेक्नोलॉजी उसमें मिल जाते हैं, मोबाइल से आप उसमें GPS वगैरह मिल जाता है, तो वो चीज़ मिलता है, इसमें वो चीज़ नहीं मिलता है। यहाँ से हाइट एडजस्टमेंट जो मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है, ये नॉर्मल ऐसे आपको मिल जाता है। बाकी 2 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, और हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल मिल जाते हैं 2 लोगों के लिए। बाकी अब हम बैठते हैं इसके अंदर की, तो भाई बैठ चुके हैं, और काफ़ी ऊंची है गाड़ी, ऊपर आप देख सकते हैं बोनेट दिख रहा है आपको, और यहाँ से
हम एक बार देख लेते हैं गियर वगैरह लगा तो नहीं है। मोबाइल गियर लगा था तो ये हो गया, इग्निशन ऑन करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे दिखने वाला है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल दे दिया गया है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे आरपीएम मीटर इधर आपको मिल जाता है, किलोमीटर जो स्पीडोमीटर है वो, और यही एमआईडी में स्पीडोमीटर आपको दिख जाता है, और इधर आपको फ्यूल वगैरह यहाँ पे दिखता है ये। बाकी डोर खुला हुआ है तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जा रहा है, ये देखिए, और बैटरी का भी मिल जाता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपको यहाँ पे दे दिए गए। बाकी इधर आपको वाइपर्स के कंट्रोल, इधर लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, और ये इसके स्टेयरिंग ऐसे कुछ मिल जाते हैं, पावर स्टेयरिंग इसमें मिलती है। और जो एकदम बेस वेरियंट आएगा, और यहाँ पर सीट ना इसमें, और यहाँ पर ना आप स्टेयरिंग को एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो, बाकी नॉर्मल ऐसे कुछ मिल जाते हैं। इधर आई अरविंद दिए गए हैं, और यहाँ पर आप देखते हैं तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे कुछ प्लेयर वगैरह इसमें नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे कुछ सामान रख सकते हो। इधर इधर भी आपको कुछ स्पेस मिल जाता है, हाँ ये ग्रैब हैंडल दिया गया है, इधर स्पेस जरूर मिल जाता है इधर। और यहाँ पे आपको लॉकेबल ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, इसमें कुछ सामान वगैरह अपना रख के लॉक कर सकते हो। और इधर आपको ये जो हजार्स बटन है टिकटॉक वाला वो मिल जा रहा है, बाकी कोई डमी बटन से कुछ लगवा सकते हो एक्स्ट्रा। इधर आपको थोड़ा स्पेस मिलता है, बाकी चार्जिंग, एक चार्जिंग जो है स्लॉट दे दी गई, मतलब यहाँ पे लगता है मोबाइल चार्जर, वो आप लगा सकते हो 12 वोल्ट का। और यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया, ऐसे कुछ यहाँ पे इसका गियर नॉब दिया गया है, ये देख सकते हो। तो ये हो गया इसकी पूरी कहानी, ये हो गया आपको यहाँ पे मिल जाता है क्या। अब ये चीज़ आप गौर किए होंगे, इस जो है नई पिकअप में ये जो लोगो है पुराना वाला महिंद्रा वाला यहाँ पे मिल जाता है, ऐसा दिया गया है। बाकी ये हो गया इधर का सीट, और पीछे से देखते हैं तो अगर साइड की तरफ देखते हैं तो ऐसे कुछ आपके यहाँ चीज़ें दिख जाती हैं। ओके, बाकी यहाँ पे एक एयर वेंट्स, एसी वेंट्स दिया गया है, क्या चीज़ है ये, अगर आपको कुछ एसी वेंट्स है अगर आप कुछ लगवाते हो हवा हुआ यहीं से आपको मिलेगी। बाकी यहाँ कोई एसी वेंट्स वगैरह, एसी के ऑप्शंस नहीं मिलते इसमें, एसी वगैरह नहीं दिया गया है। इधर आप देख सकते हो लाइट्स के आपको लेबलर मिल जाते हैं। अब चाबी की बात करते हैं, ये ऐसे कुछ आपको यहाँ पे की इसका मिलता है, ये देखिए। तो ये हो गई बात इसके ड्राइवर के लिए, क्या कुछ मिलता है, और दो लोग जो को ड्राइवर साइड बैठते हैं कंडक्टर के लिए, वो सारी चीज़ें क्या मिलती है। अब हम इसके मेन पार्ट की तरफ चलते हैं, और वो है देखो एयर वेंटिलेशन के लिए बना है, इससे एयर जाएगा उधर अंदर से पास होगा। और ये आप इसका डेक देख सकते हो, इसमें आपको मिलता है 1700 का पेलोड मिल जाता है, 1700 किलोग्राम का पेलोड मिलता है इसमें, मतलब 1.7 टन का आपको यहाँ पेलोड के साथ में ये ऐसा कुछ डेक आ जाता है पीछे से, यहाँ से इसको खोल सकते हो, और ये इसका पूरा डाला आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर GVW की बात करते हैं तो ये आपको 3460 GVW के साथ में आता है, वहीं आप इसको अगर 1.7L में जाते हो तो उसमें आपको 3480 का GVW मिल जाता है, मतलब 10 GVW ज़्यादा मिलता है। तो ये हो गया 10 किलोग्राम GVW ज़्यादा उसमें मिल जाता है 1.7L में। बाकी यहाँ पे अगर हम लीफ स्प्रिंग आपको दोनों साइड मिल जाता है, इसका जो सस्पेंशन दिया गया है वो लीफ स्प्रिंग मिलता है फ्रंट और रियर दोनों में। बाकी इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको इंजन में यहाँ पे 2.5 लीटर वही M2DI 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, मैक्सिमम पावर जो कि 59.7 3200 RPM निकाल के देगी, और 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क ही निकाल के देती है। सिंगल प्लेट ड्राई क्लच के साथ में ये गाड़ी आपको मिलती है। बाकी फीचर्स दो वेरिएंट में आते हैं, एक LX और एक VXI। तो ये LX वेरिएंट है, जो VXI में जाओगे आप उसमें आपको जैसे हाइट जो है एडजस्टमेंट और कॉर्निंग हेडलैम्प्स और भी कुछ जो है फीचर्स मिल जाते हैं, उसका अलग से वीडियो में लेके आऊँगा VXI का। तो ये है LX, ये आपको मिलेगा 11,43,315 ऑन रोड, तो 11 लाख मोटा मोटा 44,000 रुपये में ये ऑन रोड आपको मिलती है। बाकी ये गाड़ी कैसी लगी इस प्राइस रेंज, बढ़िया आपको यहाँ पे लीफ स्प्रिंग मतलब वो जो कमानी बोलते हैं ना वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, इधर आप देख सकते हो इससे पूरा चैसी। और जब इसमें पिकअप नहीं, ये इसमें डेक नहीं रहता है तो जो चैसी है उसकी ऐसे कुछ दिखने वाली है ये। तो ये गाड़ी आपको कैसी लगी 11,43,000 में, आपके बिजनेस में ये कैसा योगदान दे सकती है वो हमें आप कमेंट करिए। बाकी आप अगर कौन सा पिकअप चला रहे हैं, आपके पास कौन सी गाड़ी है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
महिंद्रा पिकअप के बारे में। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।